से आकर के वहाँ बसे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूर्वांचल के लोग हैं, पश्चिमी यूपी के बहुत सारे लोग हैं और उत्तराखंड के बहुत सारे लोग हैं। अक्सर जब हम बोलते हैं पूर्वांचली तो बहुत सारे और जो डेमोग्राफी है वहाँ की और बहुत सारे जो ग्रुप हैं वो छूट जाते हैं, तो इनकी भी बहुत अच्छी खासी तादाद है। और पुराने गाँव में जो गुजरों के गाँव हैं, त्यागियों के गाँव हैं, जाटों के गाँव हैं, ये पुराने गाँव थे। जब दिल्ली बड़ी हुई, यहाँ माइग्रेशन जब बढ़ा, संख्या बढ़ी खास करके 90 के बाद, तो उन इलाकों में लोग जाकर के बसे। पूरा का पूरा इलाका ही इमरजेंसी के बाद उस तरह से बसा है, तो वो दिल्ली की सबसे नई बसावट है पुराने गाँवों को यदि छोड़ दें तो। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हूँ मैं और इंडिया ग्रुप की तरफ से प्रत्याशी हूँ, तो एक बड़ी मज़ेदार हिस्ट्री उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़ी हुई है। कांग्रेस के अंदर जब कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ का झगड़ा हुआ था, तो जो सिंबल हुआ करता था कांग्रेस पार्टी का, वो सिंबल छीन लिया गया था कांग्रेस आई से और वो कांग्रेस ओ के पास चला गया था। तो ये जो आज कांग्रेस पार्टी का हाथ का पंजा का जो चुनाव चिन्ह है, वो सबसे पहले उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस्तेमाल किया गया था। घोंडा विधानसभा जो है वहाँ म्यूनसिपल्टी का बाय इलेक्शन था, तो कांग्रेस पार्टी सबसे पहले पंजा चुनाव चिन्ह से वहीं से चुनाव लड़ी थी और ये हिस्ट्री जो है वहाँ से जुड़ी हुई है। और 2009 तक, जब तक वहाँ पर इतनी नफरत नहीं फैली थी और ख़ास करके जो गरीब पिछड़े लोग हैं उनके बीच में एक सामाजिक एकता थी, तो 2009 तक कांग्रेस पार्टी को वहाँ 60% वोट मिलता रहा है। मतलब बीजेपी जब अपने पीक पर है तब भी 53% वोट उसको मिल रहा है। मतलब तमाम तरीके की कोशिशों के बावजूद, लोगों को आपस में लड़ाने के बावजूद, उनको जो है पहचान के आधार पर आपस में बांटने के बावजूद, बीजेपी अपना हाईएस्ट परफॉर्मेंस में 53% वोट वहाँ ले पाई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत आराम से वहाँ 60% वोट लेती थी। 2009 में भी जब जेपी अग्रवाल जी सांसद बने थे तो लगभग 60% वोट उनको मिला था। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो बीजेपी के विचारों वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। मतलब वहाँ के लोग अलग अलग जाति और धर्म के ज़रूर हैं, अलग अलग क्षेत्र के ज़रूर हैं, लेकिन उनकी आर्थिक हालात लगभग एक जैसी है, तो उनमें एक सामाजिक एकता थी जिसको काफ़ी जो है इन्होंने ख़राब किया है। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि चुनाव को हम सिर्फ चुनाव की तरह ना देखें, वहाँ के लोगों के जो दर्द हैं, उनका जो घाव है, उन पे हम मलहम कैसे लगाएं, सामाजिक एकता कैसे स्थापित करके रखें और शांति कैसे कायम रखें, तो ये हमारे कैंपेन का एक बहुत बड़ा लाइन है कि हम सामाजिक एकता चाहते हैं। और दूसरा, जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के साथी बता रहे थे कि अपने आप लोग यहाँ ये चर्चा कर रहे हैं वहाँ पर कि आखिर 300 सीट लेकर के बीजेपी कौन सा ऐसा काम नहीं कर पाई जो 400 सीट लेकर के करना चाहती है। ये सवाल वहाँ के मतदाताओं के दिमाग में है और ये सवाल वो बार बार पूछ रहे हैं कि 300 सीट तो इनको दे दिया, एक नहीं दो बार मौके दे दिए, इन्होंने एक चांस मांगा था अच्छा दिन लाने के लिए, हमने इनको दो चांस दे दिया है, लेकिन ये अपने मुंह से रोजगार की बात ही नहीं कर रहे, ये अपने मुंह से महंगाई कम करने की बात ही नहीं कर रहे, विकास के लिए इन्होंने क्या किया है उसकी कोई बात नहीं कर रहे। तो इनके पास आखिरी हथियार यही है कि ये वहाँ के रहने वाले जो 24 लाख वोटर हैं उनको ये आपस में लड़ाना चाहते हैं। और ऑलरेडी उन्होंने जो है एक अटैक शुरू कर दिया है, हालांकि लोग उस बात को ले नहीं रहे हैं, वो बात, वो कैंपेन बीजेपी का वो सिंक नहीं कर रहा है, तो थोड़ा और उबाल लाया जाए इसके लिए वो, जैसा कि हमारे साथी अंशुल ने बताया कि वो कोशिश करेंगे कि लोगों को भड़काएं, लोगों को लड़ाएं और बेसिक इश्यूज पे चुनाव ना रहे।